उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया। यहां पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इससे पहले हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए, यहां से जुलूस के रूप में नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कन्हैया लाल की निर्मम हत्या को सहन नहीं किया जाएगा। हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष इंग्लेश शर्मा ने कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। इस मौके पर राम प्रसाद कश्यप, राहुल द्विवेदी, विश्वास सक्सेना, आशीष रस्तोगी, शेखर भटनागर, विशाल भटनागर, प्रशांत पाठक आदि तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं इंग्लेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच मुरादाबाद महानगर। आज हम लोगों ने एक प्रदर्शन यहाँ किया है और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया है डीएम साहब के माध्यम से। ये जो राजस्थान में इतनी बड़ी घटना हुई है उदयपुर में, जहाँ एक टेलर का सर काट दिया गया जिहादियों द्वारा, दो मुस्लिम युवक जो उस दुकान में आए और जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया था उससे छुप होकर उन लोगों ने, और एक अपना टेरर दिखाने के लिए समाज को, जैसे तालिबान में होता है ना, बिल्कुल तालिबानी वाले अंदाज में उन्होंने भारत में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा, उन्होंने कहीं ना कहीं समाज को ये मैसेज देने का काम किया है कि हम लोग भारत में ऐसा भी कर सकते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मान लीजिए नुपुर शर्मा ने जो भी कहा उस पर पहले आपने देखा होगा, बहुत सारे इस्लामिक स्टेट जो है कंट्री खड़े हो गए, उन्होंने बहुत प्रदर्शन किया जगह जगह, लेकिन यहाँ जब ये बिल्कुल तालिबानी तरीके से सिर काट दिया गया एक युवक का, जो हिंदू युवक है कन्हैया लाल, उस पर कहीं किसी देश ने कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी। तो लोग क्या चाहते हैं भारत में, किस तरीके का माहौल बने, ये सभी को दिखाई दे रहा है। ये लोग क्या चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, तो ये भारत को तोड़ने वाले ये जो काम ये लोग कर रहे हैं, इस तरीके से हिंदुओं को टारगेट बना रहे हैं जगह जगह, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधा ये लोग टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग उठाएंगे? हमारी ये मांग है राष्ट्रपति महोदय से कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इस तरीके की जितने भी, क्योंकि ये जितने भी जिहादी लोग होते हैं जो इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, इनके पीछे फंडिंग होती है और इस्लामिक कंट्री इसमें पैसा देते हैं, इनको बचाने के लिए वकील भी आ जाते हैं आगे और भी लोग आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि ये अकेले दो ही लोग नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे काम कर रही है। तो ये आतंकवादी है एक तरीके से, इस तरीके की गतिविधि है, दुकान में जा रहे हैं, सरेआम किसी का भी सर काट दे रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, हम इसका विरोध करते हैं।